प्राइम नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष भाटिया। प्राइम नाइन में इस कार्यक्रम में देश भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी के बीच ताल्लुक की। नागरिकता संशोधन कानून पर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा की जांच जारी है। पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 25 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में PFI के खातों की जांच भी चल रही है। हम पड़ताल करेंगे महाराष्ट्र में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस विधायक क्यों नाराज हैं, इस बात की क्या आने वाले दिनों में पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है और सरकार को भी क्या नुकसान हो सकता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां गढ़मुक्तेश्वर तहसील में स्थित ब्रिजघाट गंगानगर में पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने नए वर्ष पर गरीब सवर्णों को तोहफा दिया है। MP सरकार नए साल से गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने जा रही है। और भी होंगी बड़ी खबरें, तो आइए शुरू करते हैं प्राइम नाइन। प्राइम टाइम की खबरों से पहले हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, जहां नए साल से पहले दिन इंडिया गेट समेत कई स्थानों पर भारी जाम लग गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर भारी भीड़ के चलते 5 मेट्रो स्टेशन्स के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं, जो अब खोल दिए गए हैं। इनमें केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, प्रगति मैदान, खान मार्केट और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन शामिल थे। बताया जा रहा है कि नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में लोग इंडिया गेट पहुंच रहे हैं और इस वजह से आसपास के इलाकों में वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय दिल्ली का क्या हाल है, लोग किस तरीके से जाम से जूझ रहे हैं। बेहद मुश्किल होता है इन हालात में जब आप जाम में फंस जाएँ, आपको जाने की जल्दी हो, बहुत सारा आप न कर पाएँ और वक्त जाम में फंस कर ज़ाया हो जाए। ये हालात दिल्ली में अमून होते जा रहे हैं, लेकिन वाहनों की संख्या अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। इधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की भूमिका सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे क्या करना है, इसका फैसला सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय करेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के अलावा कई आरोप हैं। उन्होंने कहा कि PFI को कहां से पैसा मिलता है, इसका भी जल्द पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक हिंसा की जांच जारी है। हिंसा के आरोप में 25 PFI समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने राज्य गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर PFI पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। जांच में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में PFI की भूमिका पाई गई है। राज्य गृह मंत्रालय से केंद्र को भेजने से पहले सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी। नहीं, वो बिल्कुल सही है, PFI की बहुत भूमिका आ रही है सामने में, तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं, वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है, लेकिन इस बारे में कुछ भी निर्णय होम विभाग के द्वारा किया जाएगा। CAA का जब आंदोलन की बात आई तो आंदोलन न करके एक आराजक और भयानक रूप देने का काम जो किया है वो PFI ने किया है, और PFI इसमें वही लोग हैं जो आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हुए थे। वो जब सिमी को बैन कर दिया गया तो उन्होंने एक नई संगठन बनाई PFI, और इसके जो पत्रक बांटे गए हैं वो इस बात का साफ संकेत है कि देश के अंदर माहौल खराब करना, देश के अंदर मुस्लिम कट्टरपंथी उसको बढ़ावा देना, उसके साथ साथ जब मुस्लिम कट्टरवाद को आप बढ़ावा देंगे तो आतंकवाद की तरफ बढ़ाएंगे। और उधर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जांच एजेंसियों समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय भी शिकंजा कसने जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जहां दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में PFI की भूमिका की जांच शुरू कर दी है, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आयकर विभाग और गृह मंत्रालय के अधीन FCRA ने PFI के विदेशी चंदों की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच के दौरान जो अहम बातें सामने आई हैं उनमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े देशभर में 3 दर्जन खाते हैं। इन खातों में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा होने का अनुमान है। बैंक खाते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल और मणिपुर आदि स्थानों पर हैं।
और इस खबर पर अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। अजीत, क्या वाकई ऐसा लगता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका है एक ऑफिस शाहीन बाग दिल्ली में भी है और बेरोकटोक कई सालों से वो यहाँ चल रहा है, यूपीए सरकार के दौर में भी सवाल उठे थे लेकिन बावजूद किसी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब आपको क्या वाकई ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय जल्द ही इस संगठन पर प्रतिबंध की घोषणा कर सकता है? बिल्कुल आशुतोष, क्योंकि जब 2006 में, जून 2006 में जब इस पीएफआई की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, तो ऐसी बातें सामने आ रही थी कि चूंकि उसी समय सिमी को प्रतिबंधित किया गया था, तो ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सिमी के लोग ही पीएफआई नाम से अब ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई पिछले कुछ सालों में जिसमें पीएफआई की का हाथ रहा हो, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरह से नागरिकता कानून का विरोध किया गया, हालांकि लोगों का विरोध था, लेकिन जो पूछताछ हुई लोगों से जो गिरफ्तार किए गए थे, उसमें यह सामने बात आई कि कहीं न कहीं जो ये अनरेस्ट था, इसके पीछे जो हिंसा थी और काफी तोड़फोड़ हुई है, पुलिस वालों से काफी लड़ाई झगड़ा किया गया है, तो उसमें पीएफआई के उकसाने का सूत्र पता चला है कि पीएफआई के लोगों ने इस अनरेस्ट का फायदा उठाया और लोगों को भड़काया। और उत्तर प्रदेश में जो जांच में बात सामने आई, उसी के आधार पर पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें स्टेट हेड वसीम अहमद भी शामिल है। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत लिखा है और ये मांग की है कि इस पर, चूंकि ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और उसी के तहत आज रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर एक तरह से गृह मंत्रालय से बोला है कि जल्दी इस मामले पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी जो घटनाएं हैं, इनके पीछे वास्तव में पीएफआई की बात सामने आ रही है इस पूरे अनरेस्ट को आगे करने में। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अजीत आपका। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिबंध लग जाए। और इधर उत्तर प्रदेश में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के में पड़ोसी देशों से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने की मुहिम शुरू हो गई है। गंगानगर में पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से सर्वे करने के लिए जिलाधिकारी, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। यहां लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि काफी वक्त से पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की कवायद की जा रही थी। सर्वे रिपोर्ट अब लखनऊ शासन को भेज दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 1985 से बांग्लादेश से आकर रह रहे करीब 120 परिवारों के 500 लोगों को नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद सभी परिवारों को सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल पाएगा। वहीं शरणार्थियों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। मेरे दादा परदादा जो पूर्व पाकिस्तान से, तो हम यहीं, मतलब 1986 से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरी पैदा से यहीं कहाँ है, मैं बिजहट का, मतलब श्री भागीरथी कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ। इससे पहले कहाँ रहते थे? जी ये मैं नहीं कह सकता, मैं यहीं पे पैदा, मतलब इसी गांव से ही, इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। शिक्षा वगैरह सब? जी शिक्षा मतलब बिजहट से, रजघाट से। नरेंद्र मोदी जो लागू किया है, तो हमारा उम्मीद बनता है कि हमारा काम सारा हो जाएगा। इससे पहले तो हमारा यहाँ सन 1985 में आए हुए यहाँ पर करीब 38-40 साल हो गया, तो इसमें जो हमारा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहता है ये कि बांग्लादेशी है, लेकिन हम बांग्लादेशी नाम मात्र है, हमारा जो पूर्वज है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बंगाल आए, बंगाल से कलकत्ता है, कलकत्ता से रुद्रपुर आए, रुद्रपुर से हम यहाँ पर आए। सर हमारा भी जन्म यही है। नागरिकता संशोधन से हमें ये लगता है कि अब हमारे इसमें पास हो सकता है। जन्म स्थान आपका यहीं पे गंगानगर में? कब आपके जो है परिवार कब आया था यहाँ पे? कितने कुछ जानकारी हो आपको? कितने साल हो गए? 86। शारिब जाफरी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शारिब, ये जो सर्वे किया गया है, इसकी रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं और इन लोगों को कब तक रिलीफ मिल सकता है, नागरिकता अभी मिल पाने में कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो इतनी बड़े संख्या में, करीब 120 परिवार हैं जिसके 500 सदस्यों को एक साथ नागरिकता देने की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज
डीएम के अलावा तहसीलदार और तमाम जो प्रशासनिक के दूसरे अफसर हैं, एलआईयू वगैरह की जो टीम होती है वो पूरी टीम आज पहुंची थी ब्रिज गांव में और वहां पर उन्होंने बाकायदा सर्वे किया है, रिपोर्ट तैयार की है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बांग्लादेश से करीब 1985 से लोग जो हैं वो आकर रह रहे थे और लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की तरफ से जब केंद्र सरकार ने नया नियम बनाया है नागरिकता संशोधन बिल, तो उसके तहत इनको फायदा मिलने जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट अब तैयार कर ली गई है जिसको लखनऊ भेजा जाएगा और शासन स्तर पर फैसला लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला है ये, जहां पर इस तरीके की कवायद शुरू हुई है। ये अपने आप में राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों की जिस हिसाब से जंग रहती है पूरी, बिल्कुल बिल्कुल, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर जिला प्रशासन काम कर रहा है। शुक्रिया शारिब इस पूरी जानकारी के लिए। शारिब ने जो बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर के इलाके को इसके लिए चुना गया है। इधर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस विधायकों में असंतोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी में कलह की स्थिति बन गई है। उद्धव मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण पुणे से कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में जबरदस्त तोड़फोड़ की। इसके अलावा पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज विधायकों से बातचीत करेंगे ताकि पार्टी के भीतर कर्नाटक जैसे किसी तरह के विद्रोह को खत्म करने के लिए वो बातचीत होगी। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोराट ने बुधवार को पार्टी में विधायकों की असंतुष्टि की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में तीन पार्टियों की सरकार है तो ऐसे में हमें कम मंत्रिपद मिला है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान जैसे पार्टी के सीनियर नेता भी मंत्रिपद के बंटवारे से नाराज हैं। नाराज नेता जल्द ही पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल अस्थाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो अंतर्कलह निकल के सामने आई है इसको कांग्रेस की भीतरी अंतर्कलह माना जाए या ये कहें कि एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की बीच जो पटरी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत ही एडवर्सली इंपैक्ट हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है, इसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, एक नाराजगी जरूर है कांग्रेस के अंदर, महाराष्ट्र की पूरी टीम के अंदर, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए, प्रणीति शिंदे सुशील कुमार शिंदे की बेटी है, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है महाराष्ट्र में, एक बड़ा नाम है प्रणीति शिंदे, उन्हें नई सरकार जो बनी है उसमें मिनिस्ट्री में कोई जगह नहीं दी है। इसी के साथ एमएलए जो संग्राम थोपटे है, नरेंद्र मोदी की जब सुनामी की वेव थी पूरे महाराष्ट्र में और देश में, उस वक्त थोपटे परिवार ने जो है वो शिवसेना के खिलाफ जो है अच्छी लड़ाई करके। राहुल की आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो बात यहां राहुल कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में अंडरस्टैंडिंग और ख़राब हो सकती है। और हम आपको बता दें, ये जब तीन पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी तो शुरुआत में ही ये कहा जा रहा था कि जो राजनीतिक डिफरेंसेज हैं वो देर सवेर सरफेस पर ज़रूर आएंगे, और अब वो होना शुरू हो चुका है। इधर मध्य प्रदेश सरकार नए साल से गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने जा रही है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त होगी, सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। 5 एकड़ भूमि, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत में प्लॉट की शर्त खत्म होगी। इसके साथ ही अब अलग अलग प्रमाण पत्र नहीं बनवाने पड़ेंगे। जीएडी ने प्रस्ताव बनाकर सीएम सचिवालय को भेज दिया है। अजय भटनागर हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जो जीएडी ने जो प्रस्ताव बनाकर भेजा है उसकी खास बातें क्या क्या हैं? देखिए, ये सरलीकरण किया गया है। कुल मिला के जो सवर्णों को, जो गरीब सवर्ण हैं, उनको आरक्षण प्रक्रिया में शामिल करना है, उनको आरक्षण देना है, तो जो नियम बनाए गए थे उसका सरलीकरण किया गया है। जैसे पहले नियम थे कि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि ना हो,
और 8 लाख तक की जो बात कही थी कि 8 लाख रुपए सालाना आय होनी चाहिए, इसके अलावा अलग अलग जो शहर होते हैं ABCD उसके हिसाब से स्क्वायर फीट में कितना उनका घर का मकान ना हो, जैसे कि जो 1200 स्क्वायर फीट का मकान उनके ना हो, तो तमाम सारी शर्तें थी, उन शर्तों को अब हटा दिया गया है और एक तरह से देखा जाए तो ये राजस्थान मॉडल लागू किया गया है। क्योंकि राजस्थान में सीधे सीधे सालाना आय 8 लाख रुपए का एक प्रमाण पत्र बनाने के साथ उस आरक्षण प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो, तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कुछ व्यवस्था की गई है और अब काफ़ी आसान होगा जो लोग इस प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जो सवर्ण गरीब हैं, उन लोगों कमज़ोर तबके के लोग हैं जो सवर्ण, उन लोगों को अगर लाभ लेना है तो उनको बहुत ज़्यादा जो कहा जाए लाल फीताशाही की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, अब उनको एक सिंपल आय का प्रमाण पत्र बनाना है 8 लाख रुपये से कम का और इस प्रक्रिया में वो शामिल हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इधर बात करते हैं बिहार के दरभंगा जिले की, जहां पर जिला स्थापना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे मंत्री महेश्वर हजारी वहां खाली कुर्सियां देखकर भड़क गए। महेश्वर हजारी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। कार्यक्रम में विधायक संजय सरावगी, MLC दिलीप चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण कार्यक्रम में लोग नहीं पहुँच पाए। मंत्री खाली कुर्सियाँ देखकर DTC को मंच से ही फटकार उन्होंने लगाई। मंत्री का सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी त्यागराजन के अवकाश पर रहने के कारण कार्यक्रम का भार DDC कारी प्रसाद महतो पर था। ये वो कार्यक्रम था जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें खाली कुर्सियां होने पर अधिकारियों को मंच से ही उन्होंने फटकार लगाई। संजीव राय हमारे सहयोगी हमारे साथ था जुड़ चुके हैं। संजीव, आखिर मंत्री जी को इतना गुस्सा क्यों आया? देखिए बिल्कुल, ये दरभंगा का मामला है, स्थापना दिवस का मौका था और कहीं कहीं महेश्वर हजारी इसलिए भाग गए क्योंकि उनको भीड़ का हिस्सा नहीं मिल पाया और उन्होंने साफ कहा कि DDC जो है वहां के उनको जिस तरह से तो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए और DM साहब अगर छुट्टी पे थे तो कम से कम इतना वो करते ताकि DM साहब से ज्यादा उनकी जो है वाहवाही होती, लेकिन वो कह रहे थे कि भीड़ जो आनी चाहिए वो नहीं आई। और दूसरा उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो मिथिलांचल की सभ्यता है उसकी कहीं उन्हें तस्वीर नहीं दिखी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का कार्यक्रम था और वो खुद सरकार में है और अपने ही सरकार के तंत्र पर वो आरोप लगा रहे थे और जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया। और मंत्री जी को इसलिए सबसे ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो चाहते थे कि पिछले साल जिस तरह से जो भीड़ रही थी, तमाम लोग दिख रहे थे, बुद्धिजीवी वर्ग या तमाम जिन लोगों की वो बात कर रहे थे मन से। इसमें कंजूसी की है तो सवाल यह उठता है कि सरकार के कार्यक्रम में क्या पैसे बहुत बढ़ा देने से कार्यक्रम अच्छा हो जाता है या क्या कुछ वो संदेश देना चाहते थे। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री है महेश्वर हजारी, उसी इलाके से आते हैं। अब बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री है महेश्वर हजारी, उसी इलाके से आते हैं। अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब देखना ही होगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है और सरकारी कार्यक्रम इस तरह से अगर सवाल खड़े होते हैं तो आगे आने वाले समय में जो अन्य जिले हैं जहां के स्थापना दिवस है, तमाम जो कार्यक्रम होते हैं सरकार के, उसमें कहीं ना कहीं जो वहां के जिलाधिकारी हैं या तमाम जो अधिकारी हैं उन पर एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर इस तरह की व्यवस्था कैसे की जाए ताकि कोई भी मंत्रीगण या तमाम जो लोग आते हैं उनको खुश करना पड़ेगा भीड़ का हिस्सा बनकर। और यही कारण था कि महेश्वर हजारी पूरी तरह से नाराज हो गए और लगातार करीब अपने 5 मिनट के भाषण में उन्होंने इस पर पूरी कह सकते हैं नाराजगी जाहिर की और कहा कि जो कार्यक्रम हम चाहते थे वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। और बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर जोशीमठ के तपोवन NTPC के अधीनस्थ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि वो जल विद्युत परियोजना 550 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया गया जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। श्रीनिवास पंत हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, आखिर 2 माह से पैसा इन मजदूरों को क्यों नहीं मिला और अब क्या इस पर कोई अथॉरिटीज एक्शन ले रही हैं?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जोशीमठ में विष्णुगार्ड जल विद्युत तो परियोजना है, 550 मेगावाट की परियोजना है। यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उन्होंने 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, लिहाजा अब हड़ताल कर दी है, धरना प्रदर्शन एनटीपीसी के गेट पर कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि ये उपक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत सीधे तौर पर नहीं आता है क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन इन्होंने गुजारिश की है सरकार से कि यहाँ के जीएम के ऊपर दबाव बनाया जाए और इनको का मेहनताना दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इन लोगों ने मुखालफत की और कोई भी काम करने को ये तैयार नहीं है, लगातार गेट पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनको वेतन दिया जाए। इससे पहले 6 महीने पहले भी इन लोगों ने हड़ताल की थी, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनने के बाद विष्णुघाट परियोजना के जीएम ने बकायदा इनकी सैलरी को ठेकेदारी प्रथा के जरिए दिया जाता है उनका भुगतान कर दिया था, उसके बाद ये वापस काम पर आ गए थे। लेकिन एक बार फिर से 2 महीने गुजर जाने के बाद भी इनको वेतन न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सरकार के ऊपर इन्होंने दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया ताकि जीएम के जरिए इनका वेतन ठेकेदारों के जरिए इनको दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने यह बात साफ नहीं की है कि कब तक वेतन दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए। और मजदूरों के ऐसे हाल पूरे देश में है, कहीं ना कहीं देश को सोचना चाहिए कि इस वर्कफोर्स के ऊपर बहुत कुछ आधारित है और इसको वेतन हर सूरत में मिलना चाहिए। फिलहाल प्राइम 9 में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए सारा समय पर, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।